हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आजकल मेरे व्लॉग्स जो है वो काफ़ी इरेगुलर हो गए हैं, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब मैं बिल्कुल टाइटन अप रखूँगी अपने आप को कि मेरे व्लॉग्स जो है वो टाइमली आप सबको मिल सके। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे कुछ ग्रॉसरी लेनी है। साहब को मैंने अभी हाई कोर्ट छोड़ा था, उनको जल्दी जाना था और मुझे गाड़ी दिन भर चाहिए थी, इसलिए मैंने मेरे पास गाड़ी रख ली है। और ये भैंस कहाँ से बीच में आ रही है, ओफो। खैर चलिए, अभी चलते हैं हम लोग ग्रॉसरी लेने के लिए। अगर मुझे वहाँ मौका पड़ा, क्योंकि बहुत सारा काम है, तो अगर मौका पड़ा तो मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ क्लिप ले लूँगी, अदरवाइज़ डायरेक्टली घर पे ही वापस मिलते हैं। बहुत सारा कुछ नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि मिड ऑफ द मंथ चल रहा है, तो जो बहुत असेंशियल सी चीज़ें थी बस वो लेकर मैं आ गई। बर्तन मांजने का ब्रश बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैं स्पॉन्ज और ये जो जाली वाला ब्रश होता है ये दोनों लेकर आई हूँ। नूडल्स की आजकल इतनी क्रेविंग हो रही है ना, तो बस मैं चाउमीन आजकल खूब खाती हूँ, तो मैं चाउमीन नूडल्स भी एक एक्स्ट्रा पैकेट लेकर आ गई। मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक ये रिफिल पैक लेकर आ गई। साबुन ख़त्म हो गया था, तो साबुन भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर आ गई। अच्छा है ना, नेक्स्ट मंथ की ग्रॉसरी में लाना नहीं पड़ेगा। फेस वॉश ख़त्म हो गया था, तो वो लेकर आ गई। क्लीन एंड क्लियर ना फेस वॉश बहुत अच्छा है, मतलब ये ऑल स्किन टाइप है। और ये मैं एक हैंड वॉश भी लेकर आ गई थी, रिफिल पैक, क्योंकि ख़त्म हो चुका था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लेवेंडर। ये मैं बेबी वाइप्स लेकर आई हूँ मेरे छोटा बेबी माइलो के लिए क्योंकि अभी ना उसको थोड़े लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो एक बार वाइप करना पड़ता है। ये मैं लेकर आई हूँ लेवेंडर फ्रेग्रेंस का, कूलर के अंदर डालने के लिए जो लिक्विड आता है ना, वो लेकर आई हूँ। और ये लिक्विड डिश वॉश जेल लेकर आई हूँ। सेरीन का अच्छा आता है, मतलब इसको ना डाइल्यूटेड फॉर्म में ही आता है, आपको ज़रूरत नहीं रहती है कि आप उसको अलग से डाइल्यूट करो या ऐसा कुछ। बहुत सही लगता है मुझे। अब बारी आ जाती है थोड़ा बहुत वेजीज़ वगैरह की, तो ये मैंने ब्रेकफास्ट के लिए जैम लेकर आई थी। बहुत दिन हो गए यार जैम खाए हुए, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और ये कैरेट एंड कुकुम्बर का मैं ब्रेड स्प्रेड लेकर आई थी। उसके अलावा ये पीनट बटर लेकर आई। पिंडोला का मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, हमेशा डॉक्टर ओटकर का ही यूज़ करती हूँ, बट ये ना शुगर फ्री था, इस वजह से मैं लेकर आ गई। अरे रहने दो, मैं डाइट वाइट कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ठीक है वो मन हो गया थोड़ा शुगर फ्री खाने का, तो इसलिए मैं वो लेकर आई। बाकी घी था, केले आपको दिख ही रहे हैं, आम लेकर आई हूँ, सीज़न के एंड के आम है, हालाँकि कोल्ड स्टोरेज वाले हैं तो काफ़ी टाइटन अप थे ये, पर लेकर आ गई। और कुछ वेजीज़ हैं जैसे भिंडी, अदरक, अरवी, बैंगन, पुदीना, करेला, गाजर, नींबू, धनिया, ये तो छोटे मोटे जो होते हैं ना वीकली जो वेजीज़ चल जाती हैं वो लेकर आई हूँ। टिंडा भी लेकर आई हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग टिंडा करेला खा लेते हैं क्या, बट एक्चुअली बहुत टेस्टी लगता है। डिपेंड करता है कि आप बना किस तरीके से रहे हो। तो पहले साहब खाते नहीं थे, लेकिन आजकल वो भी ना बहुत चाव से खाने लग गए हैं। तो शिमला मिर्ची और अलग अलग कलर की बेल पेपर्स भी मैं लेकर आई हूँ। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं लेकर आई हूँ, एक मिनट दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, ये बात और है कि मुझे बनाना नहीं आता है, मैं सीखूंगी। तो ये फ्रोज़न जैक फ्रूट कटहल जो होता है ना, वो मुझे दिख गया था, तो मैं लेकर आ गई। क्योंकि वैसे तो वेजिटेबल शॉप पे भी ये मिलता है, लेकिन इसको कटवाना या काटना बहुत टिपिकल होता है, तो ये फ्रोज़न मुझे ना फ्रेश एंड ग्रीन पे मिल गया था, तो मैं ये उठा के लेकर आ गई। तो ये मेरा कंप्लीट लुक है कि मैं इस बार क्या क्या वेजीज़ लेकर आई हूँ। बास्केट के अंदर जमा देती हूँ अच्छे से। फार्मूला हमेशा पुराना वही रहता है कि आप एक्स्ट्रा नमी को हमें एब्जॉर्ब करना है और पूरी नमी ना निकल जाए, उसके लिए खुला भी रखना है, थोड़ा खुला थोड़ा बंद तो अच्छा जी, अब मैं कौन सी सब्ज़ी मुझे पहले काम में लेनी है, कौन सी जल्दी ख़राब हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जमा लेती हूँ अपनी सब्जियों को। आजकल यहाँ जो मौसम चल रहा है अराउंड 38 के आसपास, 38-40 के आसपास, तो इस टेम्परेचर के अंदर मैं ना मेरे फ्रिज को 7 डिग्री के ऊपर रखती हूँ। माइलो को क्या चाहिए बेटा? नींद आ रही है आपको? सोना है? चलो सोना, चलो चलो रूम में चलो, उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, चलो चलो चलो। Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. निकल माइलो, बेडशीट्स काफ़ी गंदी हो गई थी, तो सेकंड लॉट मैं फिर उसी का कर रही हूँ। और माइलो को ना हर हिलती हुई चीज़ को पकड़ना होता है, तो उसे चेज़ कर रहा है। काफ़ी अच्छे से अनफोल्ड करके बेडशीट फिर ही डालनी चाहिए ताकि हमारी मशीन का मूवमेंट है ना वो जैम नहीं हो। छोड़ो छोड़ो, ये छोड़ो छोड़ो बेटा। बस अब ये बेडशीट का लॉट डालने के बाद में जो भी कपड़े मैंने धोए हैं उन्हें सुखा देती हूँ और उसके बाद चलते हैं फिर खाना बनाने की तरफ। टमाटर की टांगी से चटनी बना लेते हैं। तो ज़ीरा क्रैकल होते ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन के कुछ टुकड़े। उसके सिजल होने के बाद में मैं टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची इन तीनों का पेस्ट बना के इसके अंदर डाल रही हूँ। पेस्ट मैंने आज सच मिक्सी में नहीं बनाया है, चॉपर में ही किया है। 3/4 चम्मच इसमें नमक डालेंगे, 3/4 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 पिंच के आसपास ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और हमारी चटनी जो है ये पानी सूखते ही तैयार हो जाएगी। बिल्कुल स्टफ्ड करेला बन रहा है आज मेरी बुआ जी की रेसिपी से। तो ये मैंने सौंफ और किरायते को क्रैकल होने के लिए डाल दिया। उसके बाद में अब मैं प्याज डाल रही हूँ उसमें। प्याज का पानी सूखते ही हम 2 चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हम लोग हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच के आसपास नमक डालेंगे। 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे बेसन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन जब सिक जाएगा तो गैस का फ्लेम ऑफ करना है। और साइड में देखिए यहाँ पे करेले जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं। करेले को मैंने छीलकर नींबू और नमक के साथ में आधे घंटे रखा था, उसके बाद उसे बॉईल किया था। अब इसके अंदर हम लोग जो स्टफिंग बनाई है बेसन और प्याज की वो फिल कर देंगे। आप चाहें तो इसको धागे से रैप करके बंद भी कर सकते हैं ताकि सील्ड होने की वजह से इसका जो ये स्टफिंग है वो निकलेगी नहीं। और चाहें तो स्टफिंग इतनी ज़्यादा भर दीजिएगा कि वो अपने आप ही नहीं निकलेगी, पर बहुत ही आहिस्ता से हमें इसे आगे पकाना है। थोड़ा सा पैन में तेल लेंगे और जो हमने करेले स्टफ़ किए हैं उन्हें बहुत ही आहिस्ता से इसके अंदर रख देंगे ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है ना, तो इन्हें ज़्यादा पकाने की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन थोड़ा सा देखिए ये ब्राउनिश जो नीचे आने लगा है ना क्रेस्ट, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इसी का वेट था। अब इसे सर्व करेंगे हम। थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल देते हैं। ये यमी से करेले की क्रंची स्टफ्ड हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसे हम लोग सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा क्रेस्ट आया है इसमें। धागा आप सर्व करने से पहले ही इसमें से निकाल दीजिएगा ताकि जो भी खाना खा रहे हैं उन्हें थोड़ा सा भी ऑकवर्ड नहीं लगे। साहब अभी बीच में आए थे तो वो लोअर कोट डालने के लिए निकल चुके हैं और खाना मैंने उनको खिला दिया था। मैं खाना खाकर ये सारे जो कपड़े बाहर से लाई हूँ ये मैं समेट के रख दूँगी और अभी मैं अपना ऑफिस का काम करने लगी हूँ। मैंने कपड़े वगैरह आधे समेट दिए हैं, बेडशीट नई बिछा दी है और इस महाशय को देखो टीवी किस तरह से घूर घूर के देख रहा है ये। मैं अब थोड़ा सा ऑफिस का काम निपटा कर और उसके बाद में अपना कपड़ों के प्रेस करना और अंदर कबर्ड में रखना ये सारा काम करूँगी। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे एक लाइक दे दीजिएगा और अपने नियर एंड डियर वन के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ फिर से आपके साथ एक नए ब्लॉग को लेकर। चल दें, बाय बाय एंड टेक केयर।